दिल्ली में लगा ऐसा स्मोक टावर जो एयर पोल्यूशन होने से बचाएगा, लेकिन कैसे? और दुनिया की सबसे छोटी गाय को देख के आप एक ही चीज कहेंगे, वाव। और भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा? अगर जानना है इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, 26 इंच लंबी, 20 इंच ऊंची और सिर्फ 26 किलो की रानी इस दुनिया की सबसे छोटी गाय है। अभी रानी सिर्फ 23 महीने की है और आप रानी की वायरल फोटोज और वीडियोस सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रानी को बांग्लादेश के ढाका के पास शिखोर एग्रो फार्म में रखा गया है। आज के इस कोरोना काल में भी भारत के हजारों टूरिस्ट रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके लोग रानी के साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में 20,000 से भी ज्यादा लोग रानी से मिलने के लिए आए थे। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। इस पैंडेमिक के टाइम में आप लोग जितना ज्यादा घर पे रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। नंबर टू, दिल्ली इंडिया की सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली जगहों में से एक है और इसीलिए दिल्ली के सामने हमेशा पोल्यूशन की समस्या बनी रहती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में पोल्यूशन से लड़ने का इंडिया का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया गया है। इस स्मोक टावर की टेस्टिंग सन 2020 से की जा रही है और अगर ये स्मोक टावर कनॉट प्लेस के पोल्यूशन को कम करने में मदद करती है और सक्सेसफुल होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्मोक टावर पूरी दिल्ली में लगवाएंगी। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया ये कदम आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर थ्री, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट काम करता है या नहीं? तो इसका जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। हम इंसानों के हाथ में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं जिससे कि जब हम फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करते हैं तो हमारी उंगलियों के इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारे फिंगर को रीड करके मोबाइल को अनलॉक कर देता है। लेकिन एक मरे हुए इंसान के बॉडी का इलेक्ट्रिक इम्पल्स खत्म हो जाता है, जिस वजह से जब एक मरे हुए इंसान की उंगलियों को फिंगरप्रिंट सेंसर से टच करवाएंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा और मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। नंबर फोर, कई लोगों का ये भ्रम है कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर से बहुत स्लो होता है और कम इंटेलिजेंट होता है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि अगर इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर होता तो ये कंप्यूटर इतना ज्यादा पावरफुल होता कि हम इस कंप्यूटर से एक सेकंड में लगभग 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन कर पाते। आज के जमाने के कंप्यूटर एक सेकंड में अगर 10 ऑपरेशन भी कर ले तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। नंबर फाइव, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमारा हाथ गलती से कट जाता है या फिर हमें कोई चोट लग जाती है तो वो चोट या घाव खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी उस चोट को खुद ठीक कर लेती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट फोम नाम का एक मटेरियल है जो बिल्कुल इंसानी स्किन की तरह खुद को रिपेयर कर लेता है। इस मटेरियल को AI फोम भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करके AI रोबोट्स बनाए जाएंगे तो उन रोबोट्स में भी इंसानों के स्किन की तरह खुद ब खुद अपने चोट या घाव को ठीक करने की एबिलिटी आ जाएगी। नंबर सिक्स, 1947 में खींची गई इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आखिर क्या राज छिपा है? इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल और कड़ी रिसर्च के बाद हम आपके लिए इस तस्वीर का राज खोज कर लाए हैं। इस तस्वीर में राइट साइड और लेफ्ट साइड बहुत सारी किताब रखी हुई है और उनके ऊपर पाकिस्तान या इंडिया का प्ले कार्ड लगा है। बीच में एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अपने सिर को खुजा रहा है। तो असल में वो आदमी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इंडिया और पाकिस्तान के लिए किताबों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 150,000 मोटी मोटी किताबें होने की वजह से वो किताबों को इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बांट पा रहा। इस तस्वीर से यही पता चलता है कि बेशक इंसान इंडिया और पाकिस्तान को बांट सकता है लेकिन उनकी किताबों को कभी नहीं। नंबर सेवन, देखिए इस दुनिया के सबसे डेंसली पैक्ड आइलैंड को। ये आइलैंड हैती का एक बहुत ही ज्यादा छोटा आइलैंड है, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस आइलैंड के साइज सिर्फ एक नॉर्मल फुटपाथ पिच जितना है और सिर्फ इतनी सी जगह में लगभग 500 से भी ज्यादा लोग सिर्फ 15 घरों में रहते हैं। इतने कम जगह में इतने ज्यादा लोगों के रहने की वजह से हैती का लेटे ब्राउई आइलैंड दुनिया का सबसे डेंसली पैक्ड आइलैंड है। नंबर एट, आपने मछलियां तो बहुत देखी होंगी जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन मिलिए ग्रैंडियर फिश से जिसकी आंखें इतनी ज्यादा बड़ी हैं। अगर इस मछली की आंखों को इसकी बॉडी के साइज से कंपेयर किया जाए तो ये पूरी अर्थ की सबसे बड़ी आई टू हेड रेशियो वाली मछली और जानवर कहलाएगी। इस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर नाइन,
कंप्यूटर्स में सबसे पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर, और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने और क्यों खरीदा होगा? तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इसरो ने इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर नहीं खरीदा था, बल्कि चंपक लाल चौकसी नाम के इस आदमी ने सबसे पहले 1970 में 8 करोड़ रुपए देकर सुपर कंप्यूटर खरीदा था। असल में चंपक लाल चौकसी एशियन पेंट्स के मालिक थे और वो एशियन पेंट्स को इंडिया के कोने कोने में हर एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस करना था जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर कर सकता था, और इसीलिए उन्होंने इतने ज्यादा पैसे देकर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर खरीद लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों शेयर जरूर करें। धन्यवाद।